फ्रेंड्स, रूबल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ रामदाना टिक्की। तो आज सभी का शिवरात्रि का व्रत होगा, तो मेरी ये स्पेशल रेसिपी है और मेरे घर में तो इसे काफ़ी पसंद किया जाता है, तो मैं अक्सर कर इसको बनाती ही हूँ। तो मैं आज ये अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ और मैं इसको कैसे बनाती हूँ और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं 5 से 6 बॉयल आलू, और आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया था, और साथ ही साथ मैंने लिया है इसमें हरा धनिया और कुछ करी लीव्स लिए हैं। कम से कम 6-7 मैंने करी लीव्स लिए हुए हैं, और मैं इसमें 1 कटोरी रामदाना ऐड करूंगी। और साथ ही साथ मैंने इसमें पीनट्स को मैंने इसका दरदरा थोड़ा सा पीस लिया है, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, और उसमें मैंने 4 हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा मैंने जिंजर डाला है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसका पाउडर फॉर्म, यानी कि दरदरा ना ही मैं इसको पाउडर फॉर्म में बनाऊंगी और ना ही पूरा इसको मोटा रखूंगी थोड़ा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको मूंगफली को पीस लिया है, और इसमें मैंने हरी मिर्च और जिंजर ऐड किया हुआ है। पहले से तैयारी मैंने इसलिए कर रखी थी क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है तो प्रॉब्लम भी होती है, तो मैं शॉर्ट वीडियो में ही इसको आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो टाइम लगता है वो टिक्की बनाने में ही लगता है। तो मैं यहाँ पर 1 स्पून के करीब ये सेंधा नमक सेड करूँगी। थोड़ा सा और यहाँ पे, तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें सेंधा नमक ऐड किया है। और अगर आप चाहें तो इसमें कूटू वाला आटा या समक चावल उसको पीस कर आप इसमें डाल सकते हैं बाइंडिंग के लिए, पर मैं यहाँ पर बाइंडिंग के लिए सिर्फ रामदाना ही यूज़ करूँगी क्योंकि मैं रामदाने की टिक्की बना रही हूँ, तो मैं इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करूँगी। रामदाने से ही इसकी काफ़ी अच्छी बाइंडिंग होती है और ऊपर से कोटिंग होगी इसकी रामदाने की ही। तो रामदाना तो आप जानते ही हैं हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है। और B12 होता है दूसरा, साथ ही साथ ये विटामिन के, और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है रामदाना। आप इसे और भी चीज़ों में आप ऐड करके खा सकते हैं, इसको दूध में इसकी खीर भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं। रामदाने के अक्सर कर मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, पर जब आपका फास्ट होता है तो घर पर ही बनाने को ट्राई करिए आप इसे। तो देखिए मैंने ये यहाँ पर सभी में साल्ट मिक्स कर लिया है। तो ये 1 कटोरी के करीब मेरे पास रामदाना है, थोड़ा सा मैं रामदाना इसकी कोटिंग के लिए रहने दूंगी। अब ये मिक्स मेरा सिर्फ हाथों से ही होगा। और इसका मैं एक डो की तरह इसको बनाकर रख लूंगी, रेडी कर लूंगी। बच्चे अधिकतर ज्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने इसमें सिर्फ 4 ही मिर्चें डाली हुई हैं, इससे ज्यादा मैं इसमें मिर्च हरी मिर्च नहीं ऐड करूंगी। वन पिंच के करीब मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है,
और अगर आप जीरा और ड्राई और कोरिएंडर, आप ये मसाले अगर आप व्रत में खाते हैं तो आप ऐड कर लीजिए, और मेरे यहाँ ये सब नहीं खाया जाता है तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो देखिए इसका एक ये डो तैयार हो गया बनके, और कितना अच्छा लग रहा है ये बनने में। तो मैं अब इसकी टिक्कियों की तैयारी करती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ कि इसकी टिक्कियाँ कैसे बनती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो हाथों में हल्के हाथ से मतलब ऑयल लेना है बस इतने इस तरह से, और इसको इस तरह से घुमाकर, तो ये मेरी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं इनको सैलो फ्राई करूँगी, तो मैंने इसे 1 स्पून के करीब मैंने देसी घी इसमें लिया हुआ है। और अभी भी देखिए मेरी टिक्कियाँ ये इतनी अच्छी बनकर रेडी हुई हैं। और अगर आप चाहें तो इनको ऐसे भी सैलो फ्राई कर सकते हैं, पर एक अच्छा लुक और देने के लिए मैं इस पर ये रामदाना कोट करूंगी। और इस तरह से मैं ये फ्लेम को मीडियम ही रखें। हमें यहाँ पर कुछ भी लिक्विड या कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रामदाना अपने आप से ही इसमें चिपक जाता है, और टिक्की अंदर से भी अच्छे से क्रिस्पी बनती है। और अगर हम यहाँ पर कोई बैटर या समा के चावल का बैटर या कूटू का बना देंगे तो टिक्की अंदर से तो गल गली रहेगी, बाहर से बस ये सिक जाएगी, लेकिन हमें अंदर तक इसमें क्रंच चाहिए, तो हम इसमें कोई भी बैटर नहीं यूज़ करेंगे। और इसी तरह से रामदाने को हम इसमें कोट करेंगे। और इसी तरह से मैं बाकी टिक्कियाँ भी इसमें कोट करके रख लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये टिक्कियाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं, मैंने इनको कोट कर लिया। और इधर मैं ये पलटकर आपको दिखाती हूँ कि एक साइड से ये मेरी कैसी बनी हुई है। तो देखिए और अच्छा कलर आता जा रहा है इसमें। और ये वाली टिक्की तो ऐसी लग रही है जैसे कोई मिठाई हो, और बस इंतजार नहीं हो रहा है इन्हें टेस्ट किया जाए। इसमें मैं हल्का सा
घी और थोड़ा सा डाली हूँ, 1 चम्मच और घी इसमें ऐड करूँगी ताकि ये नीचे से भी मेरी अच्छे से सिक जाए। और इनको ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत या ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती है। टिक्की को जितनी भी कम ऑयल में या घी में फ्राई किया जाए उतनी ही टिक्की अच्छी और टेस्टी और क्रिस्पी क्रिस्पी भी बनती है। तो लगभग इसमें 5 मिनट इसको टिक्की में बनने में लग जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी टिक्की फिर कैसी बनी हुई है। तो देखिए मेरी ये रामदाना टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है और मैं इसकी अब प्लेटिंग करती हूँ। और इसमें देखिए कितना अच्छा कलर भी आया हुआ है। तो ये मेरी दोनों तरफ से टिक्की सिककर रेडी हो चुकी है। तो मैं इसमें ये बाकी टिक्कियां भी इसमें लगा देती हूँ अपनी। तो देखिए मेरी यहाँ पर ये रामदाना टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। साथ ही साथ मैंने इसमें कोकोनट दही वाली चटनी बनाई थी, वो भी मैंने इसमें सर्व की हुई है। तो यहाँ पर ये मेरी रामदाना टिक्की बनकर रेडी हो चुकी। तो ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और साथ ही साथ लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें। तो मैं फिर मिलती हूँ अपनी अगली नई रेसिपी में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।